इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम। मेरे साथ में स्टूडेंट मिलन। यस सर। जो कि कहाँ से है मिलन आप? वेस्ट बंगाल से सर। वेस्ट बंगाल से है, और मैंने इनके बारे में बताया भी था, काफी ये एक्सपर्ट हैं और उन्होंने काफी मेहनत भी की है यहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने आके ट्रेसिंग सीखी है। yes. है ना, कंपोनेंट का जानकारी सीखी हूँ, और कौन सा कंपोनेंट पैरेलल सीरीज में लगा रहता है। मेरे को तो पता नहीं था ये पैरेलल क्या है, सीरीज क्या है। और सर्किट सप्लाई सर्किट डायग्राम समझना, डायग्राम। अच्छा, और डायग्राम क्या यहाँ पर डायग्राम के साथ में ही बना सकते हो क्या? अगर डायग्राम नहीं होगा तो नहीं बना पाओगे क्या? ट्रेसिंग करके बना देंगे, ट्रेसिंग करके डायग्राम ही बना देंगे, डायग्राम ही ड्रॉ कर देंगे, डायग्राम ही ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर क्या डायग्राम के साथ में ऐसा तो नहीं है ना कि डायग्राम जिस फोन का ना हो उसको बना ही नहीं सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ट्रेसिंग करके कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मिलन, आज जो हम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं बताओ थोड़ा सा। हम ये मोबाइल है हमारे पास, एक ये मोबाइल का सीपीयू निकला हुआ है, ठीक है। तो हम इसको रिबॉल करके लगाएंगे और देखेंगे चालू होता है कि नहीं होता है। और ये रिबॉलिंग प्रोसेस हम लोगों को बता रहे हैं, रिबॉलिंग कैसे करते हैं, कैसे हम स्टेंसिल सेम आईसी नंबर का भी नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? मतलब हमारे पास जैसे लोग बोलते हैं कि स्टेंसिल सेम नहीं मिल पाता तो नहीं हो पाता है, कई बार ऐसा होता है पर हर समय ऐसा नहीं होता है। उसका कारण क्या होता है? जैसे अभी तो अपन ने एक यूनिवर्सल यूज कर लिया, हर बार ऐसा नहीं हो पाता है उसका, तो भी इसका बीच का डिजाइन अलग होगा। ये देख रहे हो जैसे क्या होता है, सेम डिजाइन है उसका, क्या होता है डिजाइन अलग होता है, नीचे का डिजाइन अलग होता है, पिन का जो बॉल होता है उसका डिजाइन अलग होता है। तो इन्वर्सल हम नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते, पर हर जगह यूज नहीं कर सकते, पर कुछ कुछ जगह यूज कर सकते हैं। आईसी का नंबर क्या है? आईसी का नंबर है MTK, देखिए उसमें दिखा दो माइक्रोस्कोप में, और ये भी ले जाओ और हमें दिखा दो कि कोई बॉल उखड़ा तो नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों आइए, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं ये आईसी। ये शायद 6250 है, और ये है 6250। हम देखेंगे अभी इसे कोई पिन उखड़ा हुआ है, बॉलिंग मिस है कि नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे अभी, जैसे हमने दोस्तों ये जो फोन में सीपीयू निकाला था वो बेसिकली मोबाइल पूरा फुल शॉर्ट था, और जैसे कि आप देख रहे हैं मोबाइल का शॉर्टिंग का कारण भी हम आपको बताएंगे। अभी तक हमने इसमें कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ सीपीयू निकाल के रखा हुआ है। ये देखते हैं, ये देखिए जैसे ये सीपीयू के सारे बॉल हैं, सारे बढ़िया हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे शॉर्टिंग है, ये देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग है, यहाँ पर शॉर्टिंग, और क्लियर कर दो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर शॉर्टिंग आपको दिखाई दे रही है, और यही वजह थी जिसके कारण मोबाइल फोन डेड था और इसको हमने निकाला आप शॉर्टिंग को क्लियर करके, क्योंकि ये आपस में गोले के साथ बता रहा है। अगर ऐसा नहीं होता और हीट होता तो क्या मिलन हम इसको रिवॉल्व करते क्या? नहीं नहीं, हीट होता तो हम उसका अंदर का रेजिस्टेंस, उसका अंदर जो कंपोनेंट लगे रजिस्टर है, जो कंपोनेंट है, कैपेसिटर शॉर्ट है, मतलब रिवॉल्व करके कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, तो हमें रिप्लेस करना पड़ता, रिप्लेस करना पड़ता। तो ये हमने यहाँ रखा हुआ है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो दोनों हमारे देखे प्रॉपर है, आईसी के ऊपर के बॉल है, जैसे ये भी आप देख रहे हैं ये भी प्रॉपर है। थोड़े इसको और क्लीन कर दो, थोड़ा सा ऊपर बैठ गए ना उसे। हाँ, ये तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी सारे बॉल है, अभी ये निकले हुए हैं तो बॉल बने दिख रहे हैं, हम इसको पूरा क्लीन करके इसको वापस रिबॉल करेंगे। चलिए आइए, पहले हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा पेस्ट देंगे। थोड़ा सा पेस्ट देंगे फिर इसको निकालेंगे हम धीरे धीरे से। धीरे धीरे से करना है क्योंकि ये प्रिंट उकट जाए तो हम बना नहीं सकते।
अभी हमने बोर्ड को क्लीन कर लिया, तो बोर्ड को क्लीन कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने बोर्ड को क्लीन कर लिया है और इसके ऊपर जो भी जो आईसी का जो थोड़ा सा रंगा छूट गया था बॉल के रूप में, वो हमने क्लीन कर दिया। सरफेस अब तक क्लीन नहीं होगा अगर आपने आईसी को बिठा दिया तो, कुछ बॉल ऊपर कुछ बॉल नीचे। चलिए अब हम आईसी को क्लीन कर लेंगे सेम ऐसे ही, थोड़ा सा पेस्ट देंगे। तो आपको एक ही गोले पे बार बार आपको नहीं रगड़ना है, अगर आप बार बार उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो वो गोला क्या हो सकता है, उखड़ जाता है, प्रिंट डैमेज हो जाता है बिल्कुल, और जब वो ब्लैक हो जाएगा तो वो रिपेयर के बाहर हो जाता है दोस्तों। फिर ऐसे में आपको आईसी चेंज ही करनी पड़ेगी, और अगर यही आपने पीसीबी में किया तो वो फ़ोन ख़राब हो जाएगा आपका। फिर आपको उसकी सप्लाइयाँ धुल गए, बेसिकली आईसी माइक्रो सोल्डिंग आपको करनी पड़ेगी, चिप लेवल पे माइक्रो सोल्डिंग बोलते हैं जिसको, और जिसके लिए प्रॉपर आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए आईसी क्लीन कर लिया हम, ये देखिए बिल्कुल सही हो गई, क्लीन हो गई है, अब इसके बॉल सारे क्लीन हो चुके हैं। हाँ, फिर इसको हम रिबॉलिंग करेंगे। अब रिबॉलिंग करेंगे, तो रिबॉलिंग का तो सबसे पहला प्रोसेस है बताते हैं ये मिलन, पहले हम स्टेंसिल ढूंढेंगे, उनसे ये हमारे पास नहीं है तो इस नंबर का स्टेंसिल, तो हम यूनिवर्सल में करेंगे, पहले देखेंगे किसमें मैच हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम देखिए यहाँ पर मैच हो रहा है, पूरा पूरा गोला दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गोला दिखाई दे रहा है, ये आपको दिख रहे होंगे गोले सिल्वर सिल्वर से इस, तो फिर थोड़ा हम पीछे से चिपका लेंगे इसको, और ये स्टेंसिल में भी बात देख लेंगे कि सारे गोले साफ है कि नहीं है। हाँ। और ये कौन सा टेप यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं ये आप बताइए। ये मेडिकल के शॉप में टेप मिल जाता है, ये टेप कागज का टेप होता है, तो इसको पट्टी करने के काम में आता है दोस्तों। ये क्या होता है, ये स्टेंसिल के साथ बैठ जाता है, हिलता नहीं है, तो आसानी होती है हम लोगों को। तो पहले आपको टेप को चिपका लेना है आईसी के साथ में, और उसके बाद में फिर इसको फिर यहाँ पर हम मैच करेंगे। तो गोले के मैच करवाने के बाद में फिर आपको लगा लेना है, देखिए जैसे ये इन्होंने किया फिर लगा लेंगे खाइए, देखिए ये देखिए माइक्रोस्कोप में दिखा, तो चलिए माइक्रो तो बताइए मिलन, ये देखिए वो दोस्तों, ये जो है गोले हर पिन में मैच करना चाहिए, नहीं तो हमारा रिबॉल ठीक से नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपको देख रहे हैं ये गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर यही मान लीजिए हम कोई दूसरी पीस उसके साथ लगाते तो ये गोले आपको नहीं आते, फिर आपको ये गोले इस तरह से मतलब ये बहुत बड़ा दिखाई देता है, गोले आपको ऐसे दिखाई देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया है, और ये हमारी आईसी अब हिलेगी भी नहीं। चलिए अब इसको रिवॉल्व करेंगे हम, थोड़ा टिश्यू यूज करेंगे नीचे डैमेज नहीं होने से लिए। तो हमने टिश्यू पेपर नीचे लगा लिया है, फिर हम पेस्ट रिबॉलिंग पेस्ट लगाएंगे, रिबॉलिंग पेस्ट, इसको पीपीडी या मैकेनिक पेस्ट बोलते हैं दोस्तों, 100 रुपए से शुरू होता है ये पेस्ट, थोड़ा सा हल्का आपका मिलेगा जो थोड़ा सा गीला सा मिलेगा पेस्ट बेसिकली, इसको सूखा कर लेंगे थोड़ा, देखिए थोड़ा सा इसको इन्होंने अलग करके लगा लिया है, क्योंकि बहुत गीला पेस्ट यूज करने से क्या होता है कि वो गोले में फैल जाते हैं सारे में, सब में वो चिपट जाता है नीचे, बिल्कुल वो शॉर्टिंग कर देता है। तो देखिए पेस्ट हमने सब में लगा लिया है, तो ऊपर से थोड़ा पूरा क्लीन कर लेंगे, ऊपर कोई भी आपको पीपीडी पेस्ट या मैकेनिक पेस्ट जो भी आपने लगाया है नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब इस पर हीट पड़ती है तो ये रंगे में बदल जाता है, और तो ऊपर से क्लीन कर लेंगे, क्लीन करना जरूरी है, जहां गोले हैं ऐसे वहीं होने चाहिए, पूरा ऊपर से ऐसे क्लीन कर लेंगे जैसे कि आपने देखा, देखिए। चलिए फिर हम हीट देंगे, हीट हमें कितने पे रखनी है मिलन, हम 300 पे हीट रखेंगे, 300 पे, ज्यादा पे रखेंगे तो क्या होगा बताइए,
क्या होगा, ये जो पेस्ट है फैल जाएगा। अच्छा, फैल जाएगा और ज्यादा रंगा ऊपर ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसलिए तो हीट हम और कम पे रखा तो कम पे रखेंगे तो ज्यादा कम पे रखेंगे तो रंगा रंगा में बदलेगा ही नहीं, बदलेगा ही नहीं, और बहुत ज्यादा करने पर वो यहाँ पे कालापन भी पड़ सकता है, स्टेंसिल भी जल सकती है, ये भी आ सकता है प्रॉब्लम। यार थोड़ा हम दो पे रखेंगे, तो हमने एयर को दो पे रखा हुआ है और हीट को हमने रखा हुआ है 300 में। चलिए इसको क्या करेंगे, 300 आ गई हमारी, ये ट्वीजर से पकड़ेंगे, ऐसे दबा के रखेंगे। और नोजल आप छोटा बड़ा कौन सा भी यूज कर सकते हैं, कुछ छोटा बड़ा कहीं से कोई भी यूज कर सकते हैं। बॉल बनना देखिए दोस्तों, बॉल बनना चालू हो गया है, जैसे कि देख रहे हो आप बॉल बन गया आपका, ये देखिए जहां जहां बॉल था वो बॉल बनना चालू हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, दिखा देते हैं एक बार आप माइक्रोस्कोप में, दिखा माइक्रोस्कोप में दिखा देते हैं। चलिए आइए, चलिए ये देखिए दोस्तों, ऐसी खोल के दिखा, ऐसी खोल के दिखा दो, ये देखिए, ये देखिए आपके पूरा बॉल बन गया, कोई भी मिस नहीं है, वो साइड में जो एक्स्ट्रा बॉल लगे तो उसको हम वॉश कर देंगे। चलिए तो जैसे कि देख रहे हैं, देखो ये आपके सारे बॉल बने हुए हैं यहाँ पर। अब मिलर इसका एक और प्रोसेस है, इस पर अपन थोड़ा सा हीटो देंगे ताकि इनके बॉल क्या हो जाए, थोड़े मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो अपना आकार ले लेते हैं इनके बॉल, कई बार क्या होता है बॉल थोड़े से आरे टेरे से बन जाते हैं, थोड़ा सा पेस्ट देंगे, पेस्ट देकर उन पर हल्का सा हीट देंगे। बैक टेस्ट कर भाई इस पर राजेश, कागज जल जाएगा, हम इसको वॉश करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करने से जो भी नए यूजर हैं, होता है क्या है कि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे और बेल आइकन जरूर दबा देना, तो आपको वो सबसे पहले नोटिफाई हो जाएंगे। और हो सकता है कि कोई वीडियो चूक जाए आप, और अगर कोई भी वीडियो चूकेंगे तो दोस्तों हो सकता है कि घर बैठ कर जो आप लोग सीख रहे हो सकता है कोई चीज़ बड़ी आपकी मिस हो जाए, तो नीचे सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसको लाल बटन और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अभी मोबाइल में ऐसे लगाएंगे, दिखा दीजिए एक बार, देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये हमारे सारे बॉल बन गए यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं सारे बॉल यहाँ पे बन चुके हैं। अब मोबाइल में हम आईसी बिठाएंगे, तो आईसी बिठाने का बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आईसी बिठाते कैसे हैं, आईसी लगाते कैसे। सबसे पहले आईसी में आपने क्या निकाल के क्या चेक किया था, पहले नोस्कट पॉइंट चेक करें, नोस्कट पॉइंट चेक किया था, वो तो नोस्कट पॉइंट हमने चेक किया था, अब बिठाते समय क्या चेक करना है, नोस्कट पॉइंट ही चेक करेंगे। अच्छा, जहाँ नोस्कट, और ये जो नोस्कट पॉइंट होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे आईसी में दिखाना चाहूंगा, अभी मेरा कैमरा जूम नहीं हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये ट्विजर के साथ दिखा दो, ये हुआ नोस्कट पॉइंट, ये हो गया नोस्कट पॉइंट, ठीक है। अब बैठाएंगे,
और ये अपन गोले भी मैच कर सकते हैं, थोड़ा सा पेस्ट दे देंगे ताकि इसके नीचे के गोले जब थोड़े से रंगा पिघले तो वो स्मूथ हो और सख्त हो जाए उसके बाद। और ये जो लाइन दिख रही है दोस्तों आपको, ये लाइन के अंदर रहना चाहिए, ये लाइन के अंदर रहनी चाहिए। और ये जो क्रॉस पॉइंट दिख रहा है लाइन का, ये क्रॉस के साथ में होनी चाहिए। जैसे आपको दिख रही है क्रॉस पॉइंट दिखा रही है, देखो एरो दिखा दो, ये वाला, ये एरो, ये वाला एरो, ये एरो हमेशा आपका एक जैसा होना चाहिए। तो ये आपको बता देगा कि आपकी आईसी सही है कि खराब। अब आपको इसको दबाना नहीं है, सिर्फ खाली क्या करना है, हिट देना है, सिर्फ हिट देना है। चलिए चेक करते हैं, ट्वीजर से चेक करना है ऐसी बिठा है इनकी नहीं है। तो हम वही 300 पे हीट रखेंगे। तो हमने 300 पे हीट रखी है, यार थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि आईसी हिले नहीं। तो आप तो एकदम से ट्विजर नहीं पकड़ना है, शुरू में वो पकड़ती नहीं आईसी, थोड़ी देर बाद 5 या 6 सेकंड बाद आपको लगे कि वो हीट थोड़ा हो गई है, तो वो जो गोले होते हैं वो अपने बॉलों के नीचे चिपक जाते हैं और वो जो नीचे थोड़ा सा पेस्ट होता है वो उसको स्मूथ कर देता है और दोनों को थोड़ा सा जोड़ देता है, जो बॉल और आपके आईसी के गोले होते हैं। तो जैसे ही गोले स्मूथ होंगे वैसे ही वो नीचे के टिप्स के साथ चिपक जाएंगे दोस्तों। तो ये आईसी बोले अभी थोड़ा ये तो कूल होने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा कूल होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे कि शॉर्ट है कि नहीं, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ऐसे टेलीकॉम के स्टूडेंट जिन्होंने आईसी रिबॉलिंग करके आपको दिखाई, ये देखो नॉर्मल रीडिंग आ गया, यहाँ पर ये बीबेट में चेक कर रहा है, ये देखिए नॉर्मल रीडिंग आ गया, रीडिंग आ रहा है। और ये रीडिंग क्या क्या कैसी क्या होती है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है और आगे डालूंगा माइक्रोस्कोप का वीडियो है। तो दोस्तों काम सक्सेस वही होता है जब आप अपने काम पर ही ध्यान दें। अगर आप अपने जगह पे खड़े होकर दूसरों की बात करेंगे तो आप क्या सक्सेस होंगे, आप ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर भी हमें, अगर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब इसको हम ऑन करेंगे, ये देखो ऑन हो गया, सेट। तो देखिए दोस्तों सेट हमारा ऑन हो गया है जो हमने रिवॉल्व करके लगाया था, ताली बजा दो यार, बेहतरीन। तो मिलन आपने सेट इतना अच्छा ऑन किया कैसा, मतलब आपने काफी मेहनत भी की है इसको रिबॉलिंग, एक बार मुझे बताओ जो लड़के रिबॉलिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या बोलोगे। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि वो एक बार रिबॉलिंग करते हैं और फिर नहीं कर पाते हैं, तो और फिर वो मायूस हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें अच्छे से सिखाया नहीं गया है, क्या इसका रीजन इसके पीछे बताइए। रीजन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मतलब आपको पहले तरीका पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, और बल उसी तरीके को आप आजमाना चाहिए, आजमाना चाहिए बार 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 बार। जैसे तुमने किया था तो तुम कितने दिन बाद सक्सेस हुए थे? मैं तो फिर 10 दिन के बाद सक्सेस हुआ था। और 10 दिन तक तो तुमने बहुत आईसी खराब की होगी, बहुत आईसी, बहुत स्टेंसिल खराब किए होंगे, जलाया होगा, हीटिंग ज्यादा हीटिंग कम। और आज ये जो तरीका है जो तुम यूज कर रहे हो, अब देखिए मोबाइल भी हमारे यहाँ पे चालू हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये कीपैड भी हमारा पूरा वर्क कर रहा है। तो क्या कहना चाहोगे एशिया टेलीकॉम के बारे में? एशिया टेलीकॉम इज नंबर वन इंस्टीट्यूट। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आकर मेरे को पता चला मोबाइल का ट्रेनिंग कैसे होता है, कैसे ट्रेनिंग ट्रेसिंग होता है, कैसे क्या कुछ होता है यहाँ पर। अच्छा एक बार मुझे बताओ, ठीक है वो सारी चीजें तो सब समझते हैं, तुम जब यहाँ आए थे सच बताना, देखो दिल से पूछ रहा हूँ सारी चीजें, कोई भी ये नहीं है लाइव रिकॉर्डिंग ये तरह से, कि तुमने भी बहुत सारे पहले यूट्यूब में वीडियो देखे थे, मेरे भी देखे थे, और जब तुम यहाँ आए थे उससे पहले कभी तुम्हारे दिमाग में था कि मैं इंस्टीट्यूट भी खोलूंगा कभी? कभी तुमने ये सोच के आते कि यार मैं तो अपनी दुकान चलाऊंगा, इतना सीख जाऊंगा कि दुकान चला सकूं, कम से कम जो मैं गलतियां कर रहा हूँ वो सुधर जाए, वो सुधर जाए, वो टुक्केबाजी जो मैं कर रहा हूँ तो मैं समझ जाऊं कि वो टुक्काबाजी नहीं करना है, हमको सही तरीके से काम करना है। तो अभी तुम्हारे मन में जबकि अब अलग है,
अब तुम अपना इंस्टीट्यूट खोलने का मन कर रहा है, मन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तुमको और बोलो ये सोच रहे होंगे कि यार ये सर का आदमी है या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ है क्या? बताओ जो भी है दिल में बताओ। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को, मैं भी जब पहले आया था देखा था तो मेरे को लगा नहीं था, तो पहली क्लास के बाद मेरे को पता चला यहाँ क्या होने वाला है, तो फिर मैं यहाँ पर आकर मैं समझ पाया जो क्या होता है मोबाइल रिपेयरिंग, बस ऐसे ही। अच्छा, और कोलकाता से इतनी दूर कैसे आया जबलपुर में? मतलब बहुत सारे इंडिया में तो बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं, तो यूट्यूब देख के आए, यूट्यूब देख के कॉल SMS के और सर। तो सिर्फ एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट और भी हैं। एशिया टेलीकॉम ऐसा होता है जो स्टूडेंट काम करता है, स्टूडेंट के पूछा जाता है, स्टूडेंट ही वीडियो करता है, सर खुद नहीं करता है। हाँ, इसीलिए मेरे को एशिया टेलीकॉम अच्छा लगा कि मतलब जो भी है हम ही है, मतलब आप ही लोग हैं जो है, इसलिए। तब तुमने बहुत सारी चीजें देखी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा मिलन हमारे स्टूडेंट जो आया है बेस्ट बंगाल से, प्रॉपर कोलकाता से, और इन्होंने ये एक मोबाइल चालू किया। ये तो हमने एक जनरली आपको बताया, और ये हमने किसी के तर्क पे नहीं बनाया है कि किसी ने हमसे बोला हो कि ये बनाए, हमने तो ये बनाना था पहले से ही। और जब तुम आए थे शुरू से, याद है अपन को? हाँ। अब शुरू से कह रहे थे कि एक वीडियो बनाएंगे इस पर। हाँ। तो ये वीडियो हमने बनाया है, और कोई भी हमारे वीडियो को एल्स समवे एल्स मत लीजिए। और मैं तो चाहता हूँ कि मोबाइल कम्युनिटी में भाईचारा होना चाहिए, सब मिलजुल के काम करें, ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने तो अपने ठान ली है कि अब मैं अपने वीडियो में सिर्फ अपनी बातें करूँगा, बाकी जिसको जो बोलना है वो बोलने दें। तो ये अच्छी बात है, और हमारी तो और मार्केटिंग ही होगी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? सही है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और मिलन, तुम्हारा भी यूट्यूब चैनल आने वाला है? आने वाला है बनाने वाला है, बनाने वाला है अभी। चलो ठीक है, तो बनाएंगे तुम्हारा चैनल, और तुम्हारे चैनल को भी हम आखिरी के फेयरवेल में अपन देंगे। और जब अपन लाइव आएंगे तो तुम्हारे चैनल का जरूर अपना चैनल को डालना। दोस्तों, अगर इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे डालेगा। तो चलिए, ऐसे ही मिलते रहिए और जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बंधुरा, আমি হসপিটাল থেকে এসেছি, আমি এখানে এশিয়া টেলিকমের স্টুডেন্ট। আর আপনার সামনে আমি স্যারে একটা বুক রিভিউ করতে চাই। এই বুকটা, আমি কলকাতা থাকি, বুকটা রিভিউ করতে চাই। স্যার, এখানে এই বুকে কি অ্যাডভান্স চিপ লেভেল? স্যার, এশিয়া টেলিকম ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান। এই বুকে হচ্ছে অ্যাডভান্স চিপ লেভেল ফোন রিপেয়ারিং শেখায় হার্ডওয়্যার, আর এর মধ্যে প্রচণ্ড প্রচণ্ড ডিটেলস যা আপনারা আদার্স কোথাও পাবেন না। যেমন এখানে ডায়াগ্রামের সাথে আপনার প্রচণ্ড পরিমাণ ডিটেলস, যে ডিটেলস অন্য কোনো ইনস্টিটিউট দিতে পারবে না আপনাদের, এরকম প্রচণ্ড পরিমাণ ডিটেলস আছে। এবং আপনার অনেক বন্ধুরা আছে, আপনারা এখানে আসতে পারেন না, এখানে সময় থাকে না, টাকার বিনিময়ে তারা এই বইটা কিনে আপনারা বাড়িতে পড়তে পারেন। আর আমি মনে করি বেটার ফিল হবে, বেটার এক্সপিরিয়েন্স আদার্স, মানে আর সবাই বুক থেকে অনেক বেটার এক্সপিরিয়েন্স হবে, আর বেটার ফিল। আর আমি এখানে এসেছি, এখানে আমি স্টুডেন্ট, এই মাইনে এটা হচ্ছে আগস্ট মাসে আমি স্টুডেন্টস, আর এই মাসে আমি এক মাস হয়ে গেছে আমার কোর্স শেষ হতে চললো। তা আমি এখন গর্ব করে বলতে পারি আমি এই স্যারের কাছে এক সপ্তাহ ধরে যা শিখেছি হার্ডওয়্যারে, আদার্স কোনো ইনস্টিটিউট শেখাতে পারবো না। আর যদি আপনার কাছে আমার কথা মিথ্যা হয় তাহলে কোনো ইনস্টিটিউট থেকে ছেলে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দিন, আর আমার তার সামনে আমাকে প্রশ্ন করুন, আর আমি তাকে প্রশ্ন করুন, দেখে দেবেন কার কে কতটা জ্ঞান পেয়েছে। অবশ্যই, থ্যাংক ইউ, নমস্কার। And ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.